स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम बीमारी से निजात दिलवाने के लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने बताया कि सभी अस्पतालों में इस बीमारी को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया है और इस बीमारी की जांच की सुविधा मुहैया करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए कोविड से ठीक हुए लोगों को अपने बच्चों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। अभी PGIMS रोहतक में 7 है, मेदांता में 3 है, आर्टेमिस में 2 हैं और अग्रोहा में 2। जिस घर में काफ़ी अडल्ट्स को कोविड का इन्फेक्शन हो, बच्चों को भी कोविड हो जाता है, तो कोविड पॉजिटिव होने की इनमें हिस्ट्री होती है जिस घर में, और उसके बाद ये कोविड से रिलीव होके ठीक होके फिर एक इन्फ्लेमेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में आता है, तो बच्चों में देखा गया है इसका डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस पहचान करना सबसे पहले, तो इसके बारे में नॉलेज हर जगह करना, हमारा IEC मटेरियल रेडी है, सारे आशा ANMs पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स सब में अवेयरनेस इसके बारे में, साइंस सिम्टम्स, उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। PGI के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर जिंदल ने बताया कि बच्चों को बुखार होना, शरीर पर लाल रंग के निशान पड़ना, आंखें लाल होना आदि इस बीमारी के लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों में ये लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, एक तरीके की सूजन होती है, तो ये बच्चे ज़्यादातर बुखार करके प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो इन बच्चों के अंदर लक्षण होता है वो होता है बुखार का। इसके अलावा इन बच्चों के अंदर बॉडी पे लाल लाल कलर के रैश यानी के धब्बे से पड़ते हैं, और इसके अलावा इन बच्चों के अंदर आँखों में थोड़ी सी रेडनेस यानी कि लाली आ सकती है, होंठ लाल हो सकते हैं, मुंह लाल हो सकता है, और इसकी सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इस बीमारी की वो होती है हमारे हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर असर आ जाता है।